जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको जो मैंने कल काम करवाया था उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ करने में या उसमें कोई क्वेश्चन है आपका? नो मिस। बाकी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बता देगा कल के काम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना आप लोगों का, तो मुझे चैट बॉक्स में पहले पूछ लेना आप लोग, तो बता दें तो मैं उसके बाद आपको बता देती हूँ, देन हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। आज हमने बेसिकली ये देखना है कि हम अपने पेज को ऑर्गेनिकली कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक अपने पेज को प्रमोट करने के टू डिफरेंट वेज हैं। एक आप ऑर्गेनिकली उसका प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट करने का मतलब ये कि उसके ऊपर लाइक्स इंगेजमेंट वगैरह लाना या कमेंट्स लाना या फिर उस पेज के थ्रू सेल्स वगैरह इंक्रीज करना या अपनी सर्विसेज को बेचना। ठीक है, तो अब दो डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं और सेकंड जो है ना वो पेड मार्केटिंग है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यानी आप फेसबुक को पैसे नहीं दोगे कोई भी, या पैसे दिए बगैर अपना जो है ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिनको यूज करके आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें से एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग में एक जो मेथड है ना वो मैं आपको पहले बताती हूँ, उसके बाद मैं सेकेंड पे जाती हूँ। ठीक है, तो मैं शेयर करती हूँ मेरी स्क्रीन पहले। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको ना यहाँ पे हम अपने पेज पे मूव करेंगे। अब ये देखिए इस पेज के ऊपर हमने ना एक कवर पिक्चर बनाई थी, सेकंडली हमने ये लोगो भी लगाया हुआ है और इसका हमने जो नेम जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना उसमें हमने अपने पेज का नेम भी मेंशन किया था ना। तो एक तरीका तो ये है पेज को प्रमोट करने का कि आप अपने पेज की जो कवर पिक्चर है ना वो अपने बिजनेस से रिलेटेड लगाएं। ठीक है, वैसे तो हम जैसे अपना प्रोफाइल होता है ना उसके ऊपर जो कवर पिक्चर लगाते हैं वो हम कोई भी लगा देते हैं, कोई नेचुरल सीन लगा देते हैं, कुछ भी ऐसा जो हमें अच्छा लग रहा होता है वो लगा देते हैं। लेकिन जब आपका बिजनेस पेज है ना या आपका सर्विस का कोई पेज है जिसे आप लोगों को सर्विस अपनी देना चाहते हैं तो उसमें आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड ही कवर पिक्चर बना के लगानी है। ठीक है, और कवर पिक्चर के अंदर आपने अपने जो ब्रांड का नेम है ना वो जरूर मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने डिजिटलाइज लिखा था ना, और मैंने आपको जब अभी कवर पिक्चर बनाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि आपने अपने पेज का नेम जो है ना अपने कवर पिक्चर के मिड में कहीं पे भी उसको जरूर लिखना है, और थोड़ा सा फैंसी सा करके अच्छे से कलर्स में लिखना ताकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये भी मैंने आपको बताई थी कि आपने अपने फोन नंबर को जरूर कवर पिक्चर में मेंशन करते रहें, क्योंकि जब जो भी लोग हमारी पेज को विजिट करते हैं तो आपको पता है सबके पास तो टाइम, किसी के पास भी आजकल इतना टाइम नहीं तो वो लोग सर्च आउट करने में टाइम वेस्ट करें, तो अगर तो उन्हें सामने इन्फॉर्मेशन नजर आएगी वो फॉरन से आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आपकी सर्विसेज या आपकी कुछ वो जो आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें वो आपसे परचेज कर लेंगे। लेकिन अगर तो आपने अपना फोन नंबर सामने मेंशन नहीं किया हुआ ना तो उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो फाइंड नहीं करेंगे, वो अपने काम में बिजी हो जाएंगे तो उसी टाइम वो आपको ऑर्डर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि कवर पिक्चर में आपने अपना ब्रांड नेम जरूर मेंशन करना है, अच्छा सा अच्छे फॉन्ट्स में अच्छे कलर्स में और थोड़ा फैंसी लुक में। ठीक है, और सेकंड ये कि आपने उसमें अपना फोन नंबर जरूर मेंशन करना है, और जो कवर पिक्चर है वो आपके बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए, कोई भी आपने पिक्चर नेट से उठा के नहीं लगा देनी। ठीक है, और उसके अंदर आप अपने ब्रांड का अपना जो पर्पस है ना अपने ब्रांड का या अपनी जो भी आपकी कंपनी है वो जरूर मेंशन करें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि हमारा क्या पर्पस है कि हम आपके ब्रांड को ऑनलाइन बूस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने अपना जो है प्रोफाइल पिक्चर डीपी है वहाँ पे अपने अपना लोगो ही लगाना है, अपने एजेंसी का लोगो लगाना है या अपने जो ब्रांड है उसका लोगो लगाना है। इसके अलावा कोई और पिक्चर रैंडम पिक्चर नहीं लगानी, ना ही इसमें की जगह पे आप अपनी पिक्चर लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जब कोई भी यूजर आपके पेज पे आए तो उसमें सबसे पहले ये दो चीजें ही शो होंगी। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें अट्रैक्टिव होंगी तो फिर आपका आगे से जो पेज है ना वो स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेगा, और फिर उसके बाद आपके जो पेज की पोस्ट है ना वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि उन पोस्ट में आपने कुछ ऐसा लिखा हो जिससे पढ़ने वाले को देखने वाले को लगे कि उसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से या एजेंसी से। जब उसे आपकी बेनिफिट नजर आएगा तो ही वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है, जो सेकेंड वे है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंड तरीके से आप कैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने ना अपनी
जो आपका फेसबुक पेज है उससे रेलिवेंट ग्रुप्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे मेरा पेज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के पेज ग्रुप्स फाइंड आउट करूंगी फेसबुक के ऊपर। और अगर आप अपने पेज के ऊपर क्लोथ्स को सेल आउट कर रहे हो, तो आप डिफरेंट जो है ना, अगर लेडीज के क्लोथ्स हैं तो लेडीज अपेरल के ग्रुप्स फाइंड आउट करोगे। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, या अगर मोबाइल एक्सेसरीज है तो मोबाइल के पेजेस नहीं सॉरी ग्रुप्स को आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ओके, तो मैं आपको कुछ ग्रुप्स जो है ना फाइंड करके दिखाती हूँ, ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगी मैं काम कैसे करना। और उसके बाद हमने मेरे साथ साथ अपने जो है ना ब्रांड्स ब्रांड्स उस ब्रांड अपने ब्रांड्स के मुताबिक ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से ना ये देखिए, ये सर्च बार है, यहाँ पे आपने कोई भी कीवर्ड लिखना है अपने ब्रांड से रेलिवेंट, ठीक है। तो अब फिलहाल तो मैं कुछ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही, अपनी सर्विसेज हम दे रही हूँ। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड लिख लूंगी, ठीक है। तो मैं एंटर करूंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे ना शो हो रहा है कि कुछ ग्रुप शो हो रहे हैं, और इसके अलावा नीचे कुछ कोर्स वगैरह भी शो हो रहे हैं। अब मुझे ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं ग्रुप्स के नीचे सी ऑल पे क्लिक कर देती हूँ, तो मुझे सारे ग्रुप्स ही शो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ग्रुप्स के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये ग्रुप्स पब्लिक हैं। पब्लिक ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कोई भी उस पेज के अंदर अपनी पोस्ट शेयर कर सकता है, ठीक है। और प्राइवेट ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर हर कोई पोस्ट शेयर नहीं कर सकता, आपको पहले रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी उस पेज का जो एडमिन है उसे, कि हम ये पेज ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर तो वो जो एडमिन है आपको अगर अप्रूव कर दे, तो फिर आप उस जो है ना पेज के मेंबर बन जाते हैं, और ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं सॉरी। और जब आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाओगे, तो फिर भी उन ग्रुप्स में उन्होंने प्राइवेसीज वगैरह लगाई होती है कि आपने अगर पोस्ट करनी है ना, पहले आपको उस पोस्ट के लिए उस ग्रुप के एडमिन से अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। अगर वो अप्रूव कर दे आपकी पोस्ट, तो फिर वो जो आपकी पोस्ट है ना उनके पेज ऊपर शो होती है, अदरवाइज उनके पेज के ऊपर आपकी पोस्ट शो नहीं हो सकती, ग्रुप के ऊपर सॉरी। मैं ग्रुप की जगह बार बार पेज बोल रही हूँ, लेकिन आप ग्रुप्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और मैं जहाँ पे पेज भी बोल रही हूँ ना, वो असल में ग्रुप ही है, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, ये सारे पब्लिक ग्रुप्स हैं, इनमें हो सकता है जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ ना, कुछ के नीचे तो ऊपर प्राइवेट भी शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने वो वाले ग्रुप सेलेक्ट करने हैं जो पब्लिक हैं, ठीक है। इसके बाद इन पब्लिक के कीवर्ड के बाद देखिए, इन्होंने मेंबर्स भी शो किए हुए हैं कि इस ग्रुप के अंदर 6K मेंबर्स हैं। 6K मीन्स 6,000, के मीन्स 1,000, ठीक है। तो 6,000 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के अंदर, और ये जो नीचे वाला ग्रुप है इसमें 43,000 मेंबर्स हैं, ठीक। ओके, बट अब मुझे बताइए, ये जो मैंने ग्रुप जिसके ऊपर इससे मैरो है, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 7.9K members, के मीन्स 1,000. अच्छा, अब ये देखिए, हमने ना वो वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है जो एक तो वो पब्लिक हो, सेकंड ये कि उसके जो मेंबर्स है ना वो एटलीस्ट 30K तक हो। 30K मीन्स 30,000, ठीक है। कम से कम 30,000 उसके मेंबर्स होने चाहिए। और उसके बाद हमने ये देखना है कि वो ग्रुप जिसके अंदर एटलीस्ट 1 डे की जो पोस्ट है ना, वो 3 to 4 पोस्ट हो रही हो। अब ये देखिए, ये शो हो रहा है कि 1 डे में 10+ पोस्ट कर रहा है, और इस ग्रुप में 10+ पोस्ट अ डे हो रही है। लेकिन हमने जिनमें मेंबर्स की जो तादाद है ना वो कम है, वो वाले ग्रुप्स नहीं लेने। जिनमें ज्यादा तादाद में है, 30K या उससे अबव है ना, हमने वो वाले ग्रुप्स फाइंड आउट लेने हैं इसमें से। और जिनके अंदर अच्छा, और जिन ग्रुप्स के अंदर 1 डे के अंदर एटलीस्ट 4 पोस्ट हो रही है ना, वो वाले ग्रुप्स हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ग्रुप्स में ना डेली पोस्ट नहीं होती, मंथली पोस्ट हो रही होती है। जैसे ये देखिए, ये ग्रुप है, इसके अंदर 8 पोस्ट हर मंथ शो हो रहा है। तो अगर तो कुछ ऐसे ग्रुप्स है ना जिसमें मंथली पोस्ट हो रही है, तो पहले तो हमने उसमें ये चेक करना है कि वो पब्लिक है। सेकेंड नंबर पे ये चेक करना है कि उसके मेंबर्स एटलीस्ट 30K हैं। अगर है और तो फिर हमें उसकी मंथली पोस्ट चेक करनी है कि 10 to 15 मंथली पोस्ट वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर तो मंथली 10 to 15 पोस्ट कर रहा है ना, और जो पहले जो मैंने आपको दो क्राइटेरियाज बताए, वो पब्लिक भी है और उसमें 30K एटलीस्ट मेंबर्स मौजूद हैं, तो फिर हमने वो ग्रुप सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि इस समय हमें ओपन करके उसे देखना है। सिलेक्शन हम ओपन करने के बाद उसकी पोस्ट और पोस्ट के ऊपर कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, उसको देखने के बाद डिसाइड करते हैं हम ये वाला ग्रुप जो है इसको सिलेक्ट करेंगे या नहीं। बेसिकली हम ये सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं,
हम जोन से पेजेस हमारे ये ग्रुप्स जोन से ग्रुप्स हमारे ब्रांड से या हमारे सर्विसेज से रिलेटेड है ना, हम इन ग्रुप्स में अपनी पोस्ट को शेयर करेंगे। तो अगर तो इन उन ग्रुप्स में हमारी टाइप की जो पोस्ट हैं उनके ऊपर ज्यादा लोगों के कमेंट्स लाइक्स वगैरह आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि हमारी पोस्ट पे भी कमेंट्स और लाइक्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो हमें ये फिलहाल तो अपने पेज पर जब स्टार्टिंग में न्यू पेज होता है ना, मैंने आपको बताया था उसके ऊपर हमें इंगेजमेंट को इंक्रीज करना होता है। इंगेजमेंट मीन्स लाइक्स फॉलोइंग एंड कमेंट्स। ठीक है, जितने ज्यादा आपके पेज के ऊपर लाइक्स फॉलोइंग्स और कमेंट्स होते हैं, उतना ज्यादा पेज जो है ना, वो जो न्यू आने वाले लोग हैं ना, उनके लिए ऑथेंटिक होता है कि वो लोग समझते हैं कि ये पेज जो है इसके ऊपर जो पहले वाले बायर्स आए उन्होंने अच्छे कमेंट्स किए, अच्छे लाइक किए, इसका मतलब कि ये पेज जो है अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अपने ब्रांड की ऑथेंटिसिटी इंक्रीज करने के लिए हमें अपने पेज के ऊपर स्टार्टिंग में फॉलोइंग्स वगैरह और लाइक्स को और कमेंट्स को इंक्रीज करना होता है। तो उसको फॉलोइंग लाइक्स को हम इंक्रीज करने के लिए पेड एड्स भी रन कर सकते हैं। प्लीज हम फेसबुक को पैसे देंगे कि वो हमारी एड्स लोगों को शो करवाए और उन लोगों को शो करवाए जो कि हमारे टाइप के जो सर्विसेज या फिर हमारे टाइप के जो ब्रांड्स है ना उनको लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो ऐसे लोगों को शो करवाएगा तो जाहिर है जिन लोगों का इंटरेस्ट है हमारी हमारी तरह की जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं उन सर्विसेज में या फिर हमारी तरह के ब्रांड्स में, तो हमारी जो है हमारे पेज को भी ओपन करके देखेंगे, उसे लाइक करेंगे या उसे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल ही ये नहीं देखे कि हम पैसे दे के कैसे ऐड रन करेंगे, अभी ये देख रहे हैं कि हम फ्री में कैसे अपने पेज को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में हम कैसे ज्यादा एंगेजमेंट ला सकते हैं। तो वो फ्री में एंगेजमेंट इंक्रीज लाने के लिए हमने ऐसे ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें हमारे जो ब्रांड है या हमारी सर्विसेज है ना उससे रेलिवेंट पोस्ट हो रही हैं और उन पोस्ट के ऊपर अच्छी एंगेजमेंट्स भी आ रही है। ठीक है, अच्छा जब तक मैंने बताया है यहाँ तक आप लोगों को समझ आओगे, मुझे ना चैट बॉक्स में यस मैम, सब बच्चे फौरन रिप्लाई किया करें क्योंकि मुझे एक बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं देखना, पूरी क्लास को सवाल लेके चलना है। तो अगर तो क्लियर है ना तो मुझे जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में क्लियर का मैसेज कर दें, और अगर नहीं क्लियर है ना तो मुझे क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई वो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। अभी मैं जब ये अभी आपको प्रैक्टिकली हम फाइंड करेंगे ना ग्रुप सिलेक्शन करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हाँ मैं जस्ट आपको पर्पस बता रही थी कि हमारा पर्पस क्या है ग्रुप सिलेक्शन का, हम ये ग्रुप्स क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये पर्पस समझ आ गया कि हम क्यों हमें क्या पर्पस है, हमने क्यों ग्रुप सिलेक्शन करनी है इसमें। ओके चले, अब ना मैं आपको कुछ ग्रुप सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, उसके बाद हमारी क्लास जो है ना खत्म होने में अभी ऑलमोस्ट 8 मिनट्स हैं, तो इन 8 मिनट्स में मैं आपको कुछ ग्रुप्स अच्छे से सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। तो हम एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें इन ग्रुप जो अच्छे हमें ग्रुप्स लगेंगे ना कि जो हम हमें लगेगा कि इन ग्रुप्स हम अपने पोस्ट करेंगे तो हमारी पोस्ट पे भी इंगेजमेंट्स आएंगे। ठीक है, वो वाले ग्रुप्स को हम एक एक्सेल शीट में उनके लिंक्स वगैरह कॉपी कर लेंगे और उनके नेम्स भी। ठीक है, तो जब ये 5 मिनट 7 मिनट्स के बाद मीटिंग जो है लीव होगी उसके बाद 5 मिनट्स में मैं आपको न्यू लिंक सेंड करूंगी। उस 5 मिनट्स में आपने अपने जो ब्रांड्स है ना उनसे रेलिवेंट ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं, बल्कि अभी मेरे साथ साथ एक बार आप सीख लें उसके बाद फिर आप साथ साथ अपने फाइंड आउट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो जो 5 मिनट्स होंगे उसमें आप अपने ब्रांड से रिलेटेड जो है ना ग्रुप्स वो फाइंड आउट कीजिएगा और देखिएगा इनमें कौन से अच्छे ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो और अपनी एक्सेल शीट बनाना शुरू कर दें साथ साथ। ठीक है, ओके सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सेल शीट एक ओपन करनी है। ठीक है, एमएस एक्सेल, इसके ऊपर ना आपने यहाँ पे मेन में लिख लेना है एक्टिव फेसबुक ग्रुप्स और जो भी आपका ब्रांड है वो लिख लें। फिलहाल तो मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही के लिए मैंने पेज बनाया था, तो मैंने एक्टिव फेसबुक ग्रुप्स ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग लिखा है। एक मिनट, मेरा पेज आपको शो नहीं हो रहा, सॉरी मैं शेयर करती हूँ। यस मिस। ओके, अब ये देखिए आपने ना ऊपर मिड में लिख लेना है एक्टिव फेसबुक ग्रुप्स ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखने हैं नेम ऑफ ग्रुप्स का अपने टाइटल दे देना है, और नीचे हमने जो भी ग्रुप आपको अच्छा लगे ना उसका नेम कॉपी करके लिखना है, और एक नेक्स्ट जो आपका सेल है उसमें हमने लिंक्स लिखना है, और जो भी आपको हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है ना अभी उसका एड्रेस यूआरएल जो है ना वो हमें कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, और जिन स्टूडेंट के पास एक्सेल अभी नहीं है ना इंस्टॉल नहीं हुआ उनको भी मैं बताती हूँ कि वो कैसे कहाँ पे ये काम सेव करेंगे अपना। ओके, ये आपको क्रोम शो हो रहा है सब बच्चों को? यस मैम, अच्छा, अब हम यहाँ पे ना टाइप करना है
स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट टाइप करें, और ये जो आ रहा है ना गूगल शीट्स, ये जो ऑनलाइन स्प्रेडशीट, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दें, चाहे ये ऊपर वाले साइन इन पे कर दें या ये वाले साइन इन पे कर दें। तो यहाँ से आपने, अगर तो आपने पहले साइन इन नहीं ना हुआ, तो अगर तो आपका जीमेल साइन इन हुआ हुआ क्रोम में ना, तो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने किसके साथ साइन इन करना, तो आप जीमेल पे क्लिक, गूगल पे क्लिक कीजिएगा, सॉरी गूगल पे क्लिक करना, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये आपने ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है। तो मेरी पहले मैंने एक ओपन की थी, तो मैं वो भी ओपन कर देती हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरी ना ड्राइव में स्पेस कम है, तो न्यू नहीं बनेंगे अभी। अच्छा, आपने यहाँ पे ना इस स्प्रेडशीट के अंदर अपना सारा काम कर लेना, और सेव भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस यहाँ से आप सेव कर लीजिएगा, फाइल में जाके सेव सेव एज पे क्लिक कीजिएगा और सेव कर लीजिएगा, ठीक है। सेव एज में यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट पे क्लिक करना और उसको सेव कर लीजिएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लैपटॉप में एमएस एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, अगर तो है इंस्टॉल तो आप अपने एमएस एक्सेल ओपन कर लें, उस पर काम कर लें। अब्दुल अहद, आप कौन सा मेथड पूछ रहे हैं कि दोबारा रिवाइज करूँ, प्री प्रमोशन मेथड या ये वर्क एक्सेल शीट का जो में काम कैसे कैसे करना है ये पूछ रहे हैं? शीट, ओके मैं बताती हूँ। यहाँ से आपने ना गूगल अपना क्रोम ओपन करना है, ठीक है, क्रोम ओपन करने के बाद जो गूगल पे हमने सर्च करना है स्प्रेडशीट, ठीक है, SPREAD, मैंने पहले किया हुआ है ना सर्च, इसलिए मेरे खुद से आगे पूरा रिजल्ट शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सेकंड रिजल्ट आ रहा है, गूगल शीट्स ऑनलाइन स्प्रेडशीट्स एंड टेम्पलेट्स, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए, मैं अब स्लो करती हूँ थोड़ा, जल्दी से ना मुझे चैट बॉक्स बताया, हमने यहाँ तक ओपन कर लिया, स्प्रेडशीट लिख के सर्च करें, और जो सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है ना गूगल शीट स्प्रेडशीट वाला, वो उस पर क्लिक करें, चलें, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमें साइन इन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर तो आपका साइन इन नहीं हुआ ना, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आपने कैसे साइन इन करना है, तो आप अगर तो पहले से आपका जीमेल यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है ना क्रोम में, साइन इन हुआ हुआ है, तो फिर आप सिर्फ गूगल पे क्लिक करें, साइन इन में फिर गूगल, तो आपका साइन इन हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ पहले से, जीमेल आपका लॉगिन नहीं हुआ ना, तो फिर आप साइन इन विद जीमेल करें, फिर आप वहाँ पे अपना जीमेल का जो एड्रेस है वो पुट करें और पासवर्ड पुट कीजिएगा, तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी वहाँ पे ब्लैंक शीट पे क्लिक करें, मेरी स्टोरेज एक्चुअली ना फुल हो गई हुई है, इसलिए ये न्यू ब्लैंक शीट में ओपन हो रही, तो ये मैंने जो पहले की थी ना मैं उसी पे क्लिक, उसी को ओपन कर देती हूँ, ठीक है, लॉगिन हो गया बच्चों का। चले अब इसमें काम करना है आप लोगों ने, यहाँ पे जो मिड में किसी भी सेल पे जाके ना लिख लें आप, यहाँ पे आप लिख लें एक्टिव। अच्छा ये देखिए मेरे ना ऊपर लिखा हुआ स्टोरेज फुल, नो एडिट्स कैन बी मेड, मींस मैं इसके अंदर कुछ एडिट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी स्टोरेज फुल हो गई, तो मुझे स्पेस क्लीन अप करनी पड़ेगी, तो वो मैं क्लास के बाद ही करूंगी। फिलहाल जो मेरे पास एक्सेल शीट है ना, मतलब मेरे पास एमएस एक्सेल इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मैं उसमें काम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेथड दोनों का सेम है, वहां पे भी ऐसे ही आपने सब सब कुछ करना है, एमएस एक्सेल में भी और यहाँ स्प्रेडशीट में उसी मेथड से करना है, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स ये ना जस्ट 1 मिनट रह गया, तो मैं मीटिंग लीव करती हूँ, फिर मैं आपको न्यू लिंक सेंड करती हूँ, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स अब देखें, मैं आपको ना ये जो ग्रुप्स है ना इनमें से अच्छे वाले ग्रुप सेलेक्ट करके दिखाती हूँ कुछ, उसके बाद फिर आप अपने अपने ब्रांड के कीवर्ड है वो सर्च करें, उसके साथ सर्च करें ग्रुप्स, और फिर उसमें से आप अपने अच्छे ग्रुप्स है ना वो सर्च आउट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये जो ग्रुप्स है ना, हमने सबसे पहले ये देखना है कि पब्लिक पब्लिक वाले ग्रुप्स हों और 30K एटलीस्ट उनके मेंबर्स हों, ठीक है। अब ये देखें ये जो डिजिटल मार्केटिंग यूएसए वाला ग्रुप है ना, इसमें पूरे 30K मेंबर्स हैं, हम 30K हो या उससे ज्यादा हो ना वो वाला ग्रुप हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा जिन ग्रुप्स में एटलीस्ट 4 पोस्ट डेली हो रही हो ना, वो वाला ग्रुप हमने ओपन करना है। तो अब इसमें देखिए, इसमें 30K मेंबर्स भी हैं और इसमें 10+ पोस्ट हो रही है पर डे में, तो मैं इस ग्रुप को ओपन करूंगी, ओके। अब ओपन करने के बाद ना आपने इसमें देखना है कि जो इसमें पोस्ट हुई है ना उनके ऊपर एंगेजमेंट्स वगैरह आ रही है, मीन्स लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। और दूसरा ये कि हमने ये देखना है कि पोस्ट रेलिवेंट भी होनी चाहिए आपके ब्रांड या आपके सर्विसेज से, जैसे अगर हम अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप की सर्विसेज देना चाह रहे हैं ना, तो हमें यही देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही पोस्ट हो
और उन पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट्स अच्छी आई है और कमेंट्स वगैरह भी ज्यादा आए और लाइक्स वगैरह भी ज्यादा आए हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो फर्स्ट पोस्ट है ना, आई नीड SEO एक्सपर्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग टू रैंक माई वेबसाइट ऑन फर्स्ट पेज, मीन्स कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो यानी और इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे इसके पर अच्छे कमेंट्स, काफी ज्यादा कमेंट्स भी आए हैं 26 और लाइक्स भी 10 आए हुए हैं। ठीक है, अब इसके नीचे मैं देखती हूँ, हमने देखना कि मैक्सिमम पोस्ट है ना उनके पर लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा आए हैं। अगर एक के ऊपर नहीं भी आए तो आप ये चेक करें कि वो पोस्ट आपके फील्ड से रिलेटेड भी है या नहीं, और अच्छी पोस्ट बनी है या नहीं बनी। अगर तो अच्छी बनी हुई है और आपके फील्ड से रिलेटेड भी है और मोस्टली आपकी फील्ड से जो रेलिवेंट है वो पोस्ट है यहाँ पेज पे और अच्छी भी बनी है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई लाइक्स और फॉलोइंग नहीं आए और वो पोस्ट काफी पुरानी भी हो गई है, ये तो देखते हैं जैसे 1 डे अगो है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो 2 या 3 डे अगो की पोस्ट है और बिल्कुल रेलिवेंट है आपकी सर्विसेज या ब्रांड से और उनके ऊपर बहुत अच्छी पोस्ट डिजाइन हुई है अट्रैक्टिव और उनके अंदर कुछ अच्छा बेनिफिट भी शो किया है आपके कस्टमर को, लेकिन फिर भी उस पर अगर इंगेजमेंट या लाइक नहीं आ रहे ना, इसका मतलब कि हमें ये वाला पेज फॉलो नहीं करना, ये वाला ग्रुप के अंदर इस ग्रुप को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें भी अपनी पोस्ट करने का को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर लोग उस अच्छी पोस्ट बनी हुई है और अच्छे सर्विसेज देने वालों को या अच्छा ब्रांड सेल करने वालों को पहले ही लोग कोई लाइक नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो हमारा हम भी उसमें करेंगे तो इसका मतलब क्या, हमारी भी पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, नहीं वैसे एट द टाइम एक ही ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप्स हमने एक्सेल शीट बनानी है ना, एक्सेल शीट के अंदर में जितने भी अच्छे ग्रुप्स मिलेंगे ना वो हमने सारे ग्रुप्स के लिंक जो है ना अपने एक्सेल शीट में सेव कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम अपनी जो पोस्ट है ना, जब हम एक पोस्ट करेंगे तो वही वो जो पोस्ट है इन ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, हाँ अच्छा अब ये देखिए ये वाली पोस्ट है, नीड पीपल हु डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर माई कंपनी, ये भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, हालांकि इतनी अच्छी बनी नहीं हुई, अट्रैक्टिव भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अच्छा काफी ज्यादा कमेंट्स वगैरह लाइक्स वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मीन्स की इस ग्रुप के अंदर जितनी पोस्ट है उनके ऊपर देखें कमेंट्स भी काफी ज्यादा है, लाइक्स भी काफी ज्यादा है, तो ये अच्छा ग्रुप है। ठीक है, तो हम ये वाला जो ग्रुप है ना इसका यहाँ से पहले नेम कॉपी करेंगे, वैसे नेम कॉपी करें या ना करें, कॉपी पेस्ट करें आप या ना करें, इसका आपको इतना कोई बेनिफिट नहीं है, आपके पास जस्ट इनके पेजेस के एड्रेस जो है ना वो सेव होना चाहिए, क्योंकि आप जब एड्रेस URL एड्रेस है उसको पेस्ट करोगे क्रोम पे तो ग्रुप ओपन हो जाएगा और उसमें अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये मैंने नेम्स ऑफ ग्रुप्स वाले के जो फील्ड है ना, सॉरी सेल है, इसके नीचे मैंने पेस्ट कर देना। अच्छा देखिए ब्लू कलर में आया, तो मुझे इसका कलर ब्लैक ही रखना था। अगर यहाँ से देखिए ये होम टैब है, होम के अंदर ना ये ऑप्शंस आ गए हैं, ये देखिए ये कुछ न्यूट्रल या ये हाइपरलिंक, अगर हाइपरलिंक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, न्यूट्रल करेंगे तो ये जैसे न्यूट्रल में फॉर्मेट होगा वो वाला फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से ना के फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, ये आपने अपर एरो पे या लोअर एरो पे क्लिक करना और यहाँ से आपने फाइंड आउट करना नॉर्मल वाला, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और अब देखिए आपको जो टेक्स्ट है ना इस फील्ड से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो हमें इस फील्ड को ही थोड़ा बड़ा करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दो फील्ड्स है ना, एक दो सेल्स है सॉरी, ए सेल और बी सेल, इन दोनों के मिड में लाए, अब एरो को ना अपने यहाँ पे लाके डबल क्लिक करना है तो ये साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो साइज जस्टिफाई हो जाता है कि जितना आपका टेक्स्ट है ना उस टेक्स्ट तक आपके सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके okay, अब हमने क्या करना है, अपने ग्रुप का जो एड्रेस है ना वो कॉपी करना है, ये जो एड्रेस बार है ना ऊपर जो शो हो रही है यहाँ से आप आपने क्लिक करना है, पूरा का पूरा खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा एड्रेस, इसको URL एड्रेस कहते हैं, इसको हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया और अपनी जो एक्सेल शीट है ना उसके अंदर आके हमने लिंक्स वाला जो फील्ड है इसके नीचे हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसका कलर ब्लैक आ रहा है, मुझे इसका कलर ब्लू चाहिए और लिंक की फॉर्म में चाहिए ना, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट सेल पे जाके ये हाइपर लिंक वाले पे सिलेक्शन कर दूंगी, तो ये हाइपर लिंक का कलर का है, मतलब जो लिंक का ब्लू कलर होता है ना और लिंक अंडरलाइन भी होता है उस फॉर्म में शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई?
यहाँ तक अपने सेल का साइज इंक्रीज करके देख ले, और जो हाइपरलिंक कैसे बनना है ये भी साथ साथ बना के देख ले, ठीक है? जल्दी से 2 मिनट्स हैं फिलहाल, आप रैंडमली कुछ भी करके ना सेल के अंदर लिख के तो उसका सेल का साइज कैसे इंक्रीज करना वो करके देख लें, और फिर उसका हाइपरलिंक में चेंज करके भी देख लें ताकि आपको पता चल जाए दोनों चीजें कैसे हो रही हैं। जैसे ये काम मैंने एक्सेल शीट में किया ना, एमएस एक्सेल में किया, ऐसे ही सेम टू सेम आपने स्प्रेडशीट में करना है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने क्रोम पे ओपन करनी है स्प्रेडशीट सारा, उसमें भी सेम यही मेथड है। अब मैं आगे चलती हूँ, ये हमने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, मैं इधर से बैक करूंगी और फिर बाकी ग्रुप्स भी देखती हूँ, ठीक है? अच्छा ये तो हमने पूरा 30K वाला जो ग्रुप था ना आपको सर्टिफाई ओपन करके, वो लकीली बहुत अच्छा ग्रुप निकला है, उसमें अच्छी पोस्ट पर अच्छी इंगेजमेंट्स भी शो हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर मरतबा 30K या इससे भी अबव मेंबर्स वाला ओपन करें, और उसमें और समटाइम ऐसा होता है कि ग्रुप्स के अंदर बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं, 50K तक भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर इंगेजमेंट्स कुछ भी कोई अच्छी शो नहीं हो रही होती है तो वो ग्रुप्स हम सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है? जैसे मैं आपको अभी और ग्रुप्स भी ओपन करके दिखाती हूँ, फिर हम देखते हैं कि उसमें अच्छी इंगेजमेंट आ रही है कि नहीं, हमें वो सिलेक्ट करना है या नहीं, ठीक है? और समझा में ऐसा होता है कि 2 दिन हमने ग्रुप्स ओपन किया, वो करते ही तीनों ग्रुप्स ऐसे ओपन हो रहे हैं कि जिनमें कोई इंगेजमेंट शो नहीं हो रही, अच्छी पोस्ट शो नहीं हो रही, तो हमें डिसअपॉइंट नहीं होना कि भी हमें अच्छे ग्रुप्स नहीं मिल रहे, ठीक है? ये जो ग्रुप सिलेक्शन है ना इसमें 1-2 दिन लग जाते हैं कि हम बहुत, अगर तो आपने सिंगल एक ही ब्रांड के लिए करना है तो आपको 1 डे तो लग ही जाएगा ना, हमें अच्छे बेस्ट जो ग्रुप है वो सबको चूज करना है अपनी एक्सेल शीट में, उनके जो है ना उन्हें सेव करना है, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है, 3-4 आवर्स तो लग जाते हैं अच्छे ग्रुप सेलेक्ट करने में, क्योंकि हमने उसमें ग्रुप्स को ओपन करके उनके ऊपर पोस्ट वगैरह देखनी है, उनके ऊपर इंगेजमेंट देखनी है कि अच्छी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है? तो हमें एक्सप्लोर करना होता है इसको अच्छे से, देख के फिर सिलेक्शन करनी होती है, तो इसमें 4 to 5 आवर्स इजीली लग जाते हैं, ठीक है? ओके अब ना मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ ये वाला ग्रुप, इसमें ना देखिए हमारे बाकी सारे क्राइटेरिया पूरे हैं कि पब्लिक भी है, 43K मतलब 30K से भी अबव इसके मेंबर्स हैं, और 10+ पोस्ट हो रही है पर डे, हम इसको ओपन करके देखती हूँ कि इसमें अच्छी पोस्ट जो है उनके ऊपर अच्छी इंगेजमेंट्स भी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? अब ये देखिए 9 आवर्स पहले ये पोस्ट हुई है, और हम ये देखेंगे पोस्ट में है क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लासेस स्टार्ट सून, इट्स फ्री प्लस जो कन्फर्मेशन अप्लाई यस टू बी एटलीट, ठीक है? तो ये वैसे हमारे काम से रेलिवेंट तो नहीं है, क्लासेस दे रहे हैं हो सकता, अगर तो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कुछ एजेंसी होती है वो ना सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ वो कोर्सेज भी करवा रही होती है, ठीक है? तो अगर आप कोर्सेज भी करवा रहे हैं तो फिर तो यहाँ पे मैं इसके आपकी एजेंसी के लिए कुछ ये अच्छा पेज हो सकता है कि यहाँ पे इससे रेलिवेंट भी पोस्ट कर रहे हैं लोग, और फिर आपने देखते हैं कि उनके ऊपर लाइक्स कमेंट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है? ओके ओके अब ये देखिए पोस्ट है 4 आवर्स अगो है कि मैं मार्केटर हूँ, क्लाइंट मुझे जादूगर समझ लेता है, वो भी मुफ्त वाला कि ऐसा जादू दिखाओ कि एक ही महीने में कारोबार स्मॉल को छू जाए, नाउ यू आर डन, ये कोई अच्छी पोस्ट नहीं है। कभी भी हमने जब भी पोस्ट बनानी है मैंने आपको मेथड बताया ना कि, तो वो पोस्ट बहुत अच्छी कैनवा पे डिजाइन करनी है आपने, ठीक है? उसके अंदर अच्छे इमेजेस डिजाइन ऐड होने चाहिए, आपकी मार्केटिंग एजेंसी का लोगो या फिर जो भी आपका ब्रांड है ब्रांड का लोगो जरूर ऐड होना चाहिए, फोन नंबर जरूर ऐड होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है? और उसके ऊपर अपने अपने जो ब्रांड है या अपने जो एजेंसी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स अच्छे से लिखने हैं, और मीन्स कि आप क्या बेनिफिट दूसरों को प्रोवाइड करोगे, ये सब कुछ आपकी पोस्ट के अंदर होना जरूरी है, ठीक है? वो अच्छी पोस्ट होती है, अगर तो आपको इस तरह की अच्छी पोस्ट जो हो रही है और उनके ऊपर भी इंगेजमेंट्स नहीं आ रही ना, तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन है कि ग्रुप जो है ना वो उसको ज्वाइन उस ग्रुप के अंदर अपनी पोस्ट आप करेंगे तो आपको भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद आप देखें इसके ऊपर 4 कमेंट्स आ चुके हैं 4 आवर्स में, और लाइक्स भी आ गए हैं।
ओके आप ना जब भी एक्सप्लोर करें ना ग्रुप, तो उसको एटलीस्ट 1 डे ओल्ड जो पोस्ट है ना वो देखा करें कि 1 दिन पुरानी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट्स और लाइक्स आए हैं या नहीं। अगर तो 1 दिन पुरानी पोस्ट पे भी नहीं आ रहे ना, तो फिर आपने 1 2 डेज या 3 डे बिफोर पोस्ट देख लेनी कि उनके ऊपर आए कि नहीं। नहीं आ रहे थे तो मतलब उस पेज में ग्रुप में आपको को सिलेक्ट नहीं हमने करना, ठीक है। अच्छा देखिए, इस ग्रुप के अंदर ना लोग बहुत ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं, 1 आवर अगो 2 आवर अगो, इतनी मतलब स्पीडली इसमें पोस्ट आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए 19 आवर अगो वाली पोस्ट है, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि मैंने इस फाइल के ये अच्छी पोस्ट नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि आपको हर रोज इतना बैलेंस मिल सकता है, तो इस पे तो जाहिर है लोग इंटरेस्ट लेंगे ही ना, फ्री में तो यहाँ पे हर कोई पैसे कमाना चाहता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से अगर कोई थोड़ा सा लेट मीटिंग ज्वाइन करता है ना, मैं शुरू में तो देखती होती हूँ जो बच्चे वेटिंग रूम में आते हैं उन सबको जो है ना परमिशन दे देती हूँ, साइन कर देती हूँ, तो वो सब बच्चे क्लास में आ जाते हैं। लेकिन अगर जैसे आप देखें काफी टाइम हो गया, मीटिंग स्टार्ट हो गया, इतनी देर से जो बच्चे आ रहे हैं वो वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, मैं अचानक से मेरी नजर पड़ी कि वेटिंग रूम में एक लड़की वेट कर रही है, तो मैंने उसको एडमिट कर दिया। तो आप जैसे अगर तो बहुत आप लेट हो गए ना मीटिंग में और आपको मैंने उसी टाइम एडमिट नहीं किया वेटिंग रूम से, तो आप मुझे उसी टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें कि मुझे आप क्लास में इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो मैं आपको वेटिंग रूम से क्लास में इंक्लूड कर लूँ, ताकि इस तरह से आपको भी टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। ओके अब इसमें इतनी स्पीड से पोस्ट आ रही है कि जो 1 डे अगो की पोस्ट है ना उसमें हम पहुंच ही नहीं पा रहे, अभी 3 आवर्स अगो 2 आवर्स अगो की पोस्ट आ रही है। अब आगे ये 3 डे अगो की पोस्ट है, अब देखते सोशल मीडिया मार्केटिंग की मुफ्त क्लासेस शुरू है और फ्री क्लासेस में तो इंटरेस्ट रहेंगे लोग। अच्छा अब ये देखें ये पोस्ट है ना 4 जून की पोस्ट है, और ये लोग ये भी कोई एजेंसी ही है और ये हायर कर रहे हैं डिजिटल मीडिया मार्केटर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये वाली पोस्ट है, अगर तो इनके इसके ऊपर तो लाइक्स और कमेंट्स अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। थोड़ी सी पुरानी पोस्ट वगैरह देख लेना 1 डे अगो या 2 डे अगो की, क्योंकि वो कैसी है, अच्छी पोस्ट बनी हुई है जो उनके ऊपर आ रहे हैं, उन पोस्ट के ऊपर कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये हमें चेक करें, तो ये चेक करने में काफी टाइम लग जाते हैं। अभी तक मुझे 1 डे अगो वाली पोस्ट नहीं मिल रही, इसलिए मैं नहीं देखी। अच्छा अभी देखिए प्री डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस स्टार्ट, इसमें सारी क्लास डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस पे ही आ रही है ज्यादातर। अच्छा ये देखिए जैसे ये है ना, फिर मैं डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटर हैं और वो काम कर रहे हैं अच्छी प्राइस पे, इसमें आप देखें कमेंट्स कैसे आ रहे हैं इनको। ओके अब इसमें वो पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, मीन्स इंटरेस्टेड हैं लोग इस सर्विस में, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। ओके मीन्स यहाँ पे ना ये पोस्ट है जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट से रेलिवेंट भी है और इसके ऊपर कमेंट्स भी आए हुए हैं। ओके एक ये भी कल की पोस्ट है, ओके अच्छी पोस्ट मिली है। ओके अब ये देखो यहाँ पे क्लाइंट्स भी हैं जो कि फेसबुक और गूगल मार्केटिंग की सर्विसेज मांग रहे हैं, कि कोई अगर तो कुछ प्रोवाइड करता है तो उनसे कांटेक्ट करें,
ठीक है, तो अगर तो आपकी मार्केटिंग एजेंसी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो और ये 22 आवर्स पहले की पोस्ट है, तो पर कमेंट्स भी आए हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ना जैसे ये नहीं कि बस यही देखें, साथ साथ ना आप लोग अपने ग्रुप्स फाइंड करें, अपने जो ब्रांड है ना उससे रेलिवेंट कीवर्ड एंटर करें, और जो ग्रुप्स हैं वो देखें जिनमें अच्छी इंगेजमेंट, सारी आप अपने ग्रुप से है ना वो करें, सेलेक्ट करें और वो ऐसे फीड में एंटर करें, ताकि मेरे साथ साथ आपकी भी फीड बन जाए। ठीक है, ये पोस्ट है जिसमें वो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कमेंट्स वगैरह देख लेते हैं। कमेंट्स विजिबल नहीं है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ना क्लाइंट्स कर रहे हैं मैसेजेस कि हमें ये सर्विसेज चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं कि फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड रन करवाने के लिए, या फिगर सेटअप के लिए, और जो है ना उनको उनसे रब्ता करें, मतलब जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो उनसे रब्ता करें। तो ये नीचे में काफी ज्यादा लोगों ने जो ये काम कर सकते हैं वो अपनी सर्विसेज कमेंट्स में दी हुई है। ठीक है, ये देखिए कितनी अच्छी पोस्ट बनी हुई है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, इसके नीचे उन्होंने अपनी सर्विसेज की लिखा है, 6 डेज पहले की पोस्ट है। इस तरह की पोस्ट फाइंड आउट करें जो आपके काम से रिलेटेड है और अच्छी बनी हुई है। अब देखिए इसमें इन्होंने अपना लोगो भी लगाया हुआ है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है। ऐसी पोस्ट पे अगर आपको अच्छे कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं ना और किसी को, तो इसका मतलब कि आपकी पोस्ट पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। लेकिन अब देखिए कितना टाइम लगा ना ऐसी अच्छी पोस्ट फाइंड करने में जो अच्छी बनी हुई है, और देखने में क्या ग्रुप एंगेजमेंट्स आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो ऐसे ही देखने में आपको काफी टाइम लगेगा, तो ऑनलाइन शीट जो है वो बनाने में आपको 1 डे तो मैक्सिमम मिनिमम जो है ना रिक्वायर्ड है ही, 1 डे तो आपको लग ही जाएगा अच्छी शीट बनाने में आपको, वो भी 1 डे अगर आप कंसेक्यूटिवली 5-6 आवर्स बैठ के काम करते हैं, अच्छे बहुत ज्यादा ग्रुप्स को एक्सप्लोर करते हैं तो। और सेकेंडली स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है तो आपने जैसे सिंगल कीवर्ड से सर्च नहीं करना, जैसे आप मैंने आपको बताया था ना कि आप का जो ब्रांड है ना उससे रेलिवेंट काफी सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। जैसे अगर कोई नंबर कोई मोबाइल के एक्सेसरीज सर्च जो है ना वो बेच रहा है, तो उससे रेलिवेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज या मोबाइल एक्सेसरीज, इस तरह से ना 3-4 कीवर्ड जो कि आपकी ब्रांड से रेलिवेंट बन सकते हैं ना, उन सबके साथ आप सर्च करें ग्रुप्स को, और मतलब फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे बहुत ज्यादा, तो फिर आप उनमें से सिलेक्शन कर लें। ठीक है, अब जैसे मैंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए एजेंसी के लिए डिजिटल मीडिया का कीवर्ड सर्च किया ना, तो अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी जो है ना वो और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे जो एक मार्केटिंग एजेंसी है वो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज भी देती है, तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट का कीवर्ड भी सर्च करके उसमें से भी ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो मार्केटिंग एजेंसी है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कीवर्ड सर्च करेंगे और उससे रेलिवेंट ग्रुप्स भी देखेंगे, और फिर उनमें से भी सर्च जो ग्रुप्स है ना उनकी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपने जस्ट 1 कीवर्ड लिख के ग्रुप सिलेक्शन नहीं करनी। ठीक है, ये जो 5-6 आवर्स लगेंगे वो आपको इसीलिए लगेंगे क्योंकि आपने ब्रांड से जितने रेलिवेंट कीवर्ड बने इन सब सब ग्रुप्स को आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ओके, अभी हम ना इस पोस्ट के पहले कमेंट्स वगैरह देख लेते हैं, अच्छे हुए हैं तो फिर इसका मतलब कि पेज जो है इसमें हमारी पोस्ट पे भी अच्छे कमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ लोगों ने पूछा हुआ है कि हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि हम इंटरेस्टेड हैं आपकी सर्विसेज में। ठीक है, इसके ऊपर 22 कमेंट्स आए हुए हैं, तो मतलब कि आपकी पोस्ट के ऊपर भी कमेंट्स वगैरह लाइक्स वगैरह आ सकते हैं, तो इस पेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ये फजूल किस्म के कुछ पोस्ट हैं उनके ऊपर लाइक कमेंट्स आए भी हैं, तो उसके ऊपर फायदा नहीं है कि उन पोस्ट पे अगर कुछ लोग इंटरेस्ट ले भी रहे हैं तो वैसे ही रेलिवेंट पोस्ट पे नहीं दे रहे जो कि आपके बिजनेस या ब्रांड से रेलिवेंट है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा बिल्कुल सिलेक्ट करने का। ठीक है, अब हम इस ग्रुप का नेम सिलेक्ट कर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और सेकेंडली इसका URL एड्रेस भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, काफी नीचे आ गए हैं, स्क्रॉल अप करना पड़ेगा सारा। ओके, अब हम यहाँ से इसका नेम कॉपी करेंगे। ओके, यहाँ पे पेस्ट किया, और इस पे हमने करना है चेंज ऊपर से नॉर्मल में इसका
डेक्सटर ठीक है। देखिए मीना फिर वेटिंग रूम में वेट कर रही है, तो मुझे मैसेज क्यों नहीं करते व्हाट्सएप पे उसी टाइम मैसेज किया करें, जैसे कोई वेट कर रहा है ना, अगर लेट ज्वाइन किया किसी स्टूडेंट ने तो मुझे उसी टाइम मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ताकि मैं देख के एडमिट करूँ आप लोगों को। मुझे नहीं पता चलता, मैं काम में बिजी हो जाती तो मुझे पता नहीं चलता कि कोई स्टूडेंट अब वेटिंग रूम में आ गया है। तो मैं जूम की सेटिंग ही चेंज करती हूँ इंशाल्लाह आज, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मीटिंग में वेट ना करना पड़े, आप डायरेक्टली मीटिंग में ज्वाइन हो जाए ठीक है। ओके ये नॉर्मल पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये ब्लैक हो गया। अब देखिए इसका साइज जो मेरे सेल्स से ना थोड़ा सा बाहर जा रहा है टेक्स्ट, तो मैं क्या करूंगी इन दोनों सेल्स के दरमियान में लाऊंगी, और जैसे ये मेरा फॉर्म चेंज हो गया ना, एरो इस फॉर्म में आ गया, तो मैंने डबल क्लिक करना है, ये फिर बड़ा हो जाएगा सेल ठीक है। अब मैंने यहाँ से अपना यूआरएल कॉपी करना है, ये एड्रेस बार जो ऊपर आ रही है इसमें मैंने सिंगल क्लिक किया और ये पूरे सिलेक्ट हो गया, मैंने कंट्रोल सी किया कॉपी हो गया ठीक है। और मैं एक्सेल शीट में जाके से कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगी। अब देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, ये हाइपरलिंक के फॉर्म में नहीं आ रहा, तो मुझे हाइपरलिंक बनाने के लिए यहाँ से इसको हाइपरलिंक पे क्लिक करना होगा ठीक है। साथ साथ कंट्रोल एस प्रेस करते रहा फिर ताकि जितना आपने काम किया वो सेव होता जाए ठीक है। अब बस हम थोड़े से कुछ और फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट जो काम है ना, नेक्स्ट मेथड है ऑर्गेनिक मेथड मार्केटिंग का, वो भी बता देती हूँ आप लोग। ये की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने अपने ब्रांड से रेलिवेंट जितने भी अच्छे ग्रुप्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं ठीक है, और फिर उन ग्रुप्स को आपने एक्सेल शीट के अंदर पेस्ट करना है, और फिर एक्सेल शीट आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है, और मैं एक्सेल शीट में से जो आपने ग्रुप सिलेक्ट किए हैं ना मैंने ओपन करके उन ग्रुप्स की एंगेजमेंट्स भी चेक करूंगी इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने ये नहीं सोचना कि हमने जस्ट बना के पेस्ट करके सेंड कर दिया तो बस काम हो गया, मैंने जिस फाइल ऊपर से देखनी है, मैंने जस्ट वो देखनी नहीं है कि फाइल में हमने किया हुआ है कि नहीं, मैंने बल्कि उसमें से ग्रुप्स को ओपन करके उनकी एंगेजमेंट्स भी चेक करनी है और पोस्ट भी चेक करनी है कि आपके ब्रांड से रेलिवेंट पोस्ट जो है उसमें हुई है या नहीं, और अच्छी पोस्ट पे अच्छी एंगेजमेंट आई है या नहीं ठीक है। तो बेस्ट ग्रुप्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं ठीक। अच्छा अभी फिलहाल मैं 3-4 और ग्रुप्स आपको करके दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट काम पे चलती हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट मेथड है ना ऑर्गेनिक मार्केटिंग का वो कौन सा है ठीक है। वो आगे जो है ना वो नेक्स्ट इजी से मेथड्स है, मेनली यही काम था ग्रुप्स को फाइंड आउट करना और सिलेक्ट इनको अच्छा अच्छे ग्रुप्स को सिलेक्ट करना जो है ना वो मेन काम होता है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसके बाद जो बाकी काम है ना जो 2 मेथड्स रह गए हैं वो बहुत ईजी है, वो करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता ठीक है। ओके अब हम करते हैं कुछ और ग्रुप सेलेक्ट, तो मैं करती हूँ बैक इसको ताकि मैं कुछ और ग्रुप फाइंड आउट कर लूँगी। अच्छा हमने अभी आई थिंक ये वाला ग्रुप ओपन किया था जिसमें 43K मेंबर्स ठीक है, अभी 2K मेंबर्स है कम है, हम ये नहीं देखेंगे कि 79K मेंबर्स हैं ठीक है, तो मैं ये ओपन कर लेती हूँ क्योंकि इसमें मेंबर्स काफी ज्यादा है, 10+ पोस्ट भी हो रही है पर डे ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ। ओके अब हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे काम से रेलिवेंट जो पोस्ट है ना 1 डे अगो की, उन पोस्ट के ऊपर अच्छे इंगेजमेंट आई हुई है या नहीं आई ठीक। अभी 1 आवर अगो की पोस्ट है लेकिन इसके ऊपर कुछ एंगेजमेंट्स नहीं आए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि आपने 1 घंटा पहले पोस्ट करा तो जरूरी नहीं 1 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम लोग जो है वो देख भी लेंगे, 1 डे तो वेट करना चाहिए ठीक है। ओके अच्छा स्टूडेंट्स मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिस वक्त अपने ब्रांड के ग्रुप्स भी देख रहे हैं साथ साथ, जल्दी से बिल्कुल जी। अब्दुल्ला देख रहे हैं, इनके अलावा मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएं क्योंकि साथ साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं ना वही बच्चे जो है ना उन्हें अच्छा समझ आएगा, और जो जस्ट देख रहे हैं ना जस्ट देखने से समझ नहीं आता जब तक अपने हैंड से वो काम करेंगे नहीं। अब्दुल्ला के अलावा कोई भी इस टाइम साथ में अपने ग्रुप सर्च नहीं कर रहा ठीक है, किंजा भी कर रही है, शाबाश और सना भी कर रही है ठीक है।
अच्छा, जो बाकी स्टूडेंट्स रह गए ना वो अभी समझ रहे थे मीन्स के, उन्हें समझ नहीं आ रहा था शायद। अब तो मैंने काफी फाइंड करके भी तीन ग्रुप्स दिखा दिए, तो अब सबको समझ आ जाना चाहिए ठीक है। और अगर नहीं, अब आप लोग अपने ब्रांड के ग्रुप्स जो है ना वो साथ साथ फाइंड आउट करना शुरू करें। और अब मीटिंग ओवर होने में ना 6 मिनट्स रह गए, तो 6 मिनट तक जितने होते हैं, एक या दो जितने भी हो जाए ठीक है, वो अपने शीट में पेस्ट कर लें उनके लिंक्स वगैरह। और फिर 5 मिनट्स की ब्रेक होगी, तो मैं 5 मिनट्स बाद जब आपको लिंक सेंड करूंगी, उस 5 मिनट्स में भी अपने ग्रुप अच्छे फाइंड करके अपनी शीट में पेस्ट करें। और फिर कोई प्रॉब्लम आए ना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो मैं जब दोबारा से लिंक सेंड करूंगी, उसमें जब आप मीटिंग ज्वाइन करें तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगी इंशाल्लाह। ग्रुप में भी बहुत ज्यादा पोस्ट आ रही है, 1 आवर अगो 2 आवर अगो के भी काफी ज्यादा पोस्ट है, हालांकि वो काम से रेलिवेंट भी नहीं है। मैं अभी तक कोई डिजिटल मार्केटिंग की इतनी ज्यादा पोस्ट शो नहीं हुई, हम 1 डे बैक तक जाते हैं तो फिर देखते हैं कि वहां पे कोई एक हमारे काम से रेलिवेंट पोस्ट है और सब पर एंगेजमेंट्स भी आ रहे हैं या नहीं ठीक है। ये 5 डे अगो की पोस्ट है, किस चीज के बारे में? साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन को, तो हमारे काम से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इसको तो कोई इंगेजमेंट नहीं आती। अभी ये देखें, एक ही पोस्ट हुई है अभी तक डिजिटल मार्केटिंग की, वो भी डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा ठीक है, और वो 10,000 में पे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई इंगेजमेंट नहीं है ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रुप जो है कोई अच्छा ग्रुप है, इसमें इसे हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें पोस्ट आ रही है। अभी ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की पोस्ट है 20 आवर्स अगो, ऑलमोस्ट 1 डे तो होने वाला है, लेकिन इसके ऊपर कोई इंगेजमेंट नहीं है ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइएगा, इंगेजमेंट कैसे, किसे इंगेजमेंट का मतलब क्या? मैं इतनी देर से आप लोगों को बोल रही हूँ ये वर्ड, और मैंने शुरू में बताया भी काफी मिनट पे, तो आपको पता है किस इंगेजमेंट होता है क्या? चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए जी, जल्दी बताइए इंगेजमेंट किसे कहते हैं? वेट कर रही हूँ आपके रिप्लाई का। जी अब्दुल्ला खान ने सही बताया, इनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से बताएं, जल्दी से रिप्लाई किया अगर अगर आप लोगों को वो चीज आती है ना, तो स्पीडली वो चीज बताया करें ठीक है। क्योंकि आप ये शो करता है कि आप क्लास में कितना एक्टिव है, वरना वो आप क्लास दे रहे हैं और ज्वाइन किए हुए और आप बैठे सो रहे हैं, ऐसा लफील हो रहा है ठीक है। तो जल्दी से बताया करें मुझे, तो भी मैं आपसे पूछूं। ओके स्टूडेंट्स, ये मुझे अच्छा बहुत नहीं फील हो रहा, क्योंकि इसमें इंगेजमेंट आ ही नहीं रही, कोई हमारी काम से रिलेटेड भी कोई चीज है ना, तो उस पर भी कोई इंगेजमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसे बैक करती हूँ ठीक है। किंजा ने रिप्लाई किया लेकिन बहुत देर से, इसलिए मैं कहती हूँ एक्टिवली रिप्लाई किया कि पता चले कि आप क्लास ले रहे हैं, लगता है सोए हुए हैं। अच्छा मैं मीटिंग लीव करने लगी, 1 मिनट रह गया, फिर मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोगों ने अपने जो ब्रांड है उससे रिलेवेंट कुछ ग्रुप्स फाइंड आउट किए हैं चैट बॉक्स में। अच्छा आप ना मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ तक आपको क्लियर है, मैं आगे आपको ये ग्रुप्स और फाइंड करके दिखाऊँ या मैं आगे नेक्स्ट काम समझा दूँ? क्योंकि अब हमारी क्लास का टाइम कम रह गया, 3:35 हो गए हैं, 4 o'clock का टाइम है, तो आई थिंक मैं आपको इसके जो नेक्स्ट मेथड है वो बता देती हूँ, तो आप ये अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है। क्योंकि ये मैं क्लास में फिर यही करती रहूंगी ना, तो फिर आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाना है, तो नेक्स्ट जो मैंने आपको आज का टॉपिक क्लियर कंप्लीट करवाने वो नहीं हो पाएंगे ठीक। तो क्योंकि 1 मंथ तो हमारा ऑलमोस्ट गुजर गया, हमारी 8 क्लासेस होती हैं 1 मंथ में, तो ये 8th क्लास है, तो इसलिए मैं आपको आज का जो काम है वो तो कंप्लीट करवाना ही है ना, तो मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट मेथड बता देती हूँ ठीक है। तो अब आपकी असाइनमेंट है कि आपने अपने जो ग्रुप्स है ना, अपने ब्रांड से रेलिवेंट ग्रुप्स हैं, वो अपने एक्सेल में कंप्लीट करके मुझे सेंड करने हैं। और अब मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ सब स्टूडेंट्स से करने हैं, ये नहीं कि सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझे सेंड कर दें और बाकी जो है वो करें नहीं। तो अगर तो मुझे सब बच्चों ने ना कर नहीं सेंड करेंगे ना, तो फिर जो उनके मार्क्स जो है असाइनमेंट्स में नहीं लगेंगे, तो उनको एंड में सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा ठीक है। तो अपने सर्टिफिकेट के लिए आप लोग अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करें ठीक,
ओके अब ना मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपका नेक्स्ट मेथड कौन सा है। एक तो हमने ग्रुप्स अच्छे ग्रुप्स की सिलेक्शन कर ली, और उस उन ग्रुप्स से अपनी पोस्ट को भी आपने शेयर करना है अपने पेज फेसबुक पेज की, जो पोस्ट पेज की जो पोस्ट होगी उसमें शेयर करना है, ठीक है। और सेकेंड मेथड ये है कि ये देखिएगा स्क्रीन पे आप, मैं ना आपको एक पेज ओपन करके दिखाती हूँ, यहाँ पर यूनिटी का पेज है ये, ठीक है। ये टेक्निकल इश्यू है ना, ये हमारा यूनिटी का पेज। ओके अब देखिए इस पेज के ऊपर ना बहुत सारी पोस्ट वगैरह होती है यूनिटी की, ठीक है। और कुछ पोस्ट होती है उनके पास एड्स वगैरह भी रन कर रहे हैं, जैसे ये इस टाइम ये किड्स समर कैंप की पोस्ट है, इसके ऊपर एड रन हो रहा है हो रही है, ठीक है। और इसके ऊपर लाइक्स वगैरह भी आ जाते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो लाइक्स आ रहे हैं ना इस पर क्लिक करके देखना है कि जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक किया हुआ है ना, उन लोगों ने फॉलो भी किया हुआ है चाहे हमारे पेज को या नहीं। कुछ लोग जस्ट ना लाइक कर देते हैं, फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर पेज को वो सिर्फ पोस्ट को लाइक कर रहे हैं तो पेज को लाइक नहीं करेंगे। यहाँ पे ना एक पेज के ऊपर लाइक का ऑप्शन आ रहा था उन लोगों के लिए जो मतलब मैं तो इस पेज की एडमिन हूँ इसलिए मुझे वो ऑप्शन शो नहीं होगा, लेकिन जो लोग जैसे आप लोग हैं, अगर आप लोग टेक्निकल पर पेज ओपन करेंगे ना तो आपको लाइक का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। तो अगर आप वो लाइक कर देंगे तो यहाँ पे ये आप भी फॉलोअर्स में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जिन लोगों ने जस्ट पोस्ट को ना लाइक किया हुआ है और उन पोस्ट को उन्होंने पेज को लाइक नहीं किया, यानी आपके पेज को फॉलो नहीं किया, आपने उनको क्या करना है, इनविटेशन सेंड करना है कि वो आपके पेज को भी फॉलो कर दें। अब देखिए यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए इस पोस्ट के ऊपर जो लाइक्स है ना, इसके ऊपर शो हो रहा है कि जो फर्स्ट लाइक है ना उसको हमने इनविटेशन लिंक सेंड कर दिया हुआ है, इनवाइटेड शो हो रहा है, ठीक है। और जो सेकेंड लाइक है उसके ऊपर शो हो रहा है कि वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे आपके पेज को, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर ऑलरेडी फॉलोइंग का शो हो रहा है टैब, ठीक है। तो मीन्स ये दोनों तो हमने कर दिए, एक इनवाइट कर दिया, एक पहले फॉलो कर रहे थे। अब हमने मैंने जो आपको न्यू पोस्ट दिखाई है ना, अपने इसके ऊपर जितने भी लाइक्स आ रहे हैं इनमें मोस्टली लोग जो है वो जस्ट आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके पेज को लाइक नहीं किया हुआ। अच्छा इसकी रीजन क्या है कि उन्होंने पोस्ट को ही क्यों लाइक किया हुआ है, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर ना एड रन हो रहा है। तो जब एड रन हो रहा होता है ना तो ये पोस्ट सबको अपने जो है ना फीड में शो हो रही होती है पेज पेज के ऊपर, तो वो पोस्ट देखते हैं उन्हें पसंद आती है, पोस्ट को लाइक कर देते हैं, फिर पेज ओपन करके नहीं देखते, ठीक है। तो जब आप इस तरह से हो गया कि पेज पोस्ट के ऊपर लाइक आ गया आ रहे हैं लेकिन पेज पे नहीं आए, जैसे भी आप अपने पोस्ट को शेयर करोगे ग्रुप्स में तो आपकी पोस्ट के ऊपर लाइक्स आएंगे, मोस्टली पीपल आपकी पेज को ओपन करके नहीं देखेंगे ना ही पेज को लाइक करेंगे, वो पोस्ट को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो जब ऐसे हो तो आपने ना जो लाइक्स को ओपन करना है, यहाँ से ये जो लाइक्स हो रहा है ना ये थम्स अप शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमने देखना है कि जो नहीं जिन्होंने फॉलो किया किया उसके आगे इन्वाइट का बटन शो होगा, तो आपने इन्वाइट पे क्लिक कर देना है। अब उन्हें इन्विटेशन चला गया कि वो आपके पेज को लाइक करें, ठीक है। तो जितने भी लोगों को नहीं किया फॉलो नहीं हुआ उन सबको आपने इस तरह से लाइक सेंड कर देने हैं, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का, विदाउट आप जो है ना एनी इन्वेस्टमेंट बगैर पैसे खर्च किए आप लोगों को इन्विटेशन सेंड करें आपके वो आपके पेज को फॉलो करें। अब जाहिर है जिन लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है उनको आपके ब्रांड में या आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट होगा ना, तो ही उन्होंने किया है। तो जब वो इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको इनविटेशन सेंड करेंगे फॉलो करने के, तो वो फॉलो भी कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गई ये मेथड आपको? अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में क्लियर का मैसेज दे देना ताकि मैं नेक्स्ट चलूँ चलूँ, ठीक है। और बाकी बच्चे भी बताएं, ये सिर्फ अब्दुल्ला खान सबसे पहले मुझे रिप्लाई कर बता देते हैं कि हो गया काम या उन्हें समझ आ गया, बाकी बच्चे भी थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया करें, ठीक है। ठीक ओके आ गया बच्चों को समझ, चले मैं अब आ गया आपको थर्ड जो लास्ट में जो है रह गया ना मेथड एक वो बता देती हूँ, ठीक है। तो जो हमने ग्रुप्स फाइंड आउट किए थे ना एक्सेल शीट में हमने उनको पेस्ट भी कर दिया था, तो आपने क्या करना है इन ग्रुप्स को ना ओपन करके देखना है, लिंक
ऊपर यहाँ से हमने को क्लिक करना है तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ना ये मेरा दूसरे ब्राउजर में ओपन हो रहा है, तो मैं इसी ब्राउजर में मुझे ओपन करना है तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगी, एक मैं एक्स्ट्रा टैब बंद कर दी, और अब मैं ओपन करूंगी अपने ग्रुप को, ठीक है। ये ग्रुप ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है कि जो आपके काम से रेलिवेंट पोस्ट थे ना उसके ऊपर जो रिप्लाई आ रहे हैं, जिन लोगों ने आपके काम से रेलिवेंट पोस्ट के ऊपर अच्छा रिप्लाई किया हुआ है ना, आपने उन लोगों को स्पेसिफिकली मैसेज मैसेंजर में जाकर मैसेज करना है अपने अपने एजेंसी के बारे में या अपने ब्रांड के बारे में, क्या ब्रांड क्या कौन से प्रोडक्ट जो है वो उनको ऑफर कर रहा है और उनमें उनको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। इस तरह का कोई अच्छा सा मैसेज आपने चैट जीपीटी से चाहे लिखवा लें, ठीक है। तो जैसे मैंने ये चैट जीपीटी को मैसेज कहा था कि मैंने अपने अपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए लोगों को मैसेज करना है मैसेंजर में, ताकि मैं उन्हें अपने एजेंसी के जो पर्पसेस हैं कि सर्विसेज हैं उनके बारे में बता सकूं, और जो मेरी एजेंसी से उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो बता सकूं, ठीक है। तो मुझे ये चैट जीपीटी ने ये वाला जो आंसर किया था ना, ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैं यहाँ से ये कॉपी करूंगी और ये वाला जो है ना मैसेंजर में उन लोगों को सेंड करूंगी जिन लोगों ने ग्रुप्स में हमारे काम से रिलेटेड पोस्ट के ऊपर अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है। मीन्स के वो लोग इस सर्विस में या इस ब्रांड में इस टाइप के ब्रांड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपकी सर्विस या आपके ब्रांड में भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेंगे अगर आप उनको मैसेज मैसेंजर में मैसेज कर देंगे तो, ठीक है। तो अब यहाँ से ये देखिए सोशल मीडिया हैंडलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कमेंट्स भी आए हुए हैं, ओके। ये डिटेल मांग रहे हैं और मतलब इतने डिटेल्स लोग मांग रहे हैं, 11 कमेंट्स आ गए, और ये पोस्ट कब की है, 6 जून की। अच्छा अब ये देखें ये वाला मार्केटिंग मैनेजर रिक्वायर्ड, ये तो कोई पर्सन है जिनको काम चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है। तो इससे रेलिवेंट हमारा काम नहीं है, ये सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग ये एजेंसी है, और इस पे देखते हैं कितने कमेंट्स आए और अच्छे आए किन्होंने किए हैं। एक ही कमेंट शो हो रहा है फिर। अच्छा ये वाली कमेंट मार्केटिंग एजेंसी भी है, अच्छा ये देखिए जरूरी नहीं कि आपको हर एक पेज पे बहुत ज्यादा पोस्ट भी मिले, जिनके पर बहुत अच्छे आपके काम से रेलिवेंट और उनके पर बहुत ज्यादा इंगेजमेंट भी आ रही हो, तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, इसको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि अभी फ्री काम कर रहे हैं ना, वैसे तो अगर पैसे देंगे फेसबुक को तो आपसे काम से रेलिवेंट जितने भी मतलब ऑडियंस है जिनको आपके आपके ब्रांड में इंटरेस्ट, आप जैसे ब्रांड में इंटरेस्ट है या आपके जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोगों में इंटरेस्ट है, तो फेसबुक तो डायरेक्टली उन तक आपकी ऐड पहुंचा देगा ना। तो जब हमें फ्री में भी काम करवाना था तो उसमें हमें खुद से थोड़ा सा सर खपाना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये टाइम टेकिंग काम भी है, मेहनत भी ज्यादा थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि हम फ्री में ही काम करवा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा खुद से आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स देनी पड़ेगी। ओके ये देखें जैसे ये है, ये भी मार्केटिंग एजेंसी है और इसमें कोई अच्छे कमेंट्स नहीं है, कमेंट्स आ तो रहे हैं बट कोई इतने अच्छे नहीं कि उनको मैसेजेस करें, ठीक है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पोस्ट किसी ने डिजाइन की हुई है कि वो सोशल मीडिया हैंडलिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, मेटा एड्स मैनेजमेंट और कंपिटिटर एनालिसिस ये सब कुछ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके नीचे ना ये इन्होंने मैसेज किया कि वो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो आप इनको ओपन करके ना मतलब इसके ऊपर आप देखिए ना एरो, तो यहाँ पे आपको इनके ऑप्शंस वगैरह शो हो रही होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं उन्होंने अपने मैसेजेस वगैरह को कि जो ऑप्शंस है ना उसको ब्लॉक किया होता है, मतलब उनको हम मैसेज नहीं कर सकते, कुछ का मैसेज शो हो रहा होता है यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि इनको मैसेज के ऑप्शन इन्होंने डिसेबल तो नहीं की सकते, लिए इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर तो आ रही हो तो आप उनको मैसेज कर दें। ओके स्टूडेंट्स बस में
चेक कर लूँ, मैसेज आ रहे हैं मुझे। ओके अच्छा नहीं, अब ना जब हमने अभी देखा था ना इस पे, तो मतलब उसने अलाउ ही नहीं किया कि आप उसको मैसेज कर सके, तो आपने फिर आप इसको नहीं कर सकते मैसेज, ठीक है। अब ना इसके स्टार्टिंग में एक पोस्ट थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट थी, और उस पोस्ट के ऊपर ना मैसेज भी आए थे अच्छे, तो उसमें देखते हैं कि उस पर हम कर सकते हैं मैसेज या नहीं। जैसे ये देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पोस्ट है, इसमें उन्होंने डिटेल मांगी है, मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है इसमें, ठीक है। तो पहले से एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अच्छा हम बाकी कमेंट सेव कर लेते हैं। ओके ये है, इन्होंने डिटेल मांगी हुई है, तो इसको ओपन करके चेक कर। अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि किसने मैसेज ब्लॉक किया हुआ, तो रिप्लाई कर दें। मीन्स कि वो जो कुछ फेसबुक पे जो प्रोफाइल्स होते हैं ना, वो जो प्रोफाइल्स के ओनर्स होते हैं, वो अपने प्रोफाइल पे ना मैसेजेस को अलाउ नहीं करते अपने फ्रेंड्स के अलावा, कि उनके फ्रेंड्स ही जस्ट उनको मैसेजेस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर जब कोई और उनका प्रोफाइल ओपन करता है ना, तो उनको मैसेज की ऑप्शन शो नहीं हो रही होती, ठीक। तो इन लोगों ने अब अलाउ नहीं किया हुआ उनके फ्रेंड्स के अलावा कोई उन्हें मैसेज कर सके, इसलिए यहाँ पे मैसेज की ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछ रहे हैं तो फिर दोबारा से मैसेज मुझे बताइए, मैसेज मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन ठीक से। अच्छा देखिए मोस्टली जो लोग हैं ना, उन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई है, अब देखिए इनकी जो पोस्ट भी हमेशा नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने प्राइवेसी लगाई कि जैसे उनके फ्रेंड्स भी देख सकते हैं और मैसेज भी उनके फ्रेंड्स ही कर सकते हैं, क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस काफी ज्यादा आ गई है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते कि उन्हें बिना वजह कोई लोग मैसेजेस करें, तो इसलिए वो प्राइवेसी लगा देते हैं। तो अगर तो आपको कुछ ऐसे मिलते हैं लोग ग्रुप्स में, लोग जो के जिन्होंने प्राइवेसी भी नहीं लगाई हुई, तो और आप उनको मैसेज कर सकते हो, इंटरेस्ट रखते हैं आपसे काम के रेलिवेंट जो चीजें हैं उसमें, तो फिर आप उनको जरूर मैसेज कर दें, ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पे ना, ये हमारा जो पेज है टेक्निक का, इसके ऊपर भी पोस्ट है। अब यहाँ पे जो मैंने डिजिटल हमारी पोस्ट है कि हम कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ना, अब देखिए यहाँ पे जो लाइक्स आ रहे हैं, अगर मेरे से कोई भी प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं ना, चेक करते हैं कि हम इन्होंने इनकी मैसेज की ऑप्शन आती है कि नहीं आती। तो पोस्ट के ऊपर अगर कमेंट आया ना, तो अगर उन्होंने मैसेजेस ब्लॉक किए हैं, तो आप उनको पोस्ट के ऊपर ही रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये समझा रही हूँ कि हमने अपनी पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स आए ना, उनको रिप्लाई नहीं करने, हमारे को पोस्ट के ऊपर तो जिन लोगों ने अगर लाइक किया हुआ है और उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो उनको तो हम इन्वाइट सेंड कर देंगे ना। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कमेंट किया, लाइक नहीं किया, तो फिर हम उसको मैसेज जो है मैसेंजर में कर दें, या फिर उनकी पोस्ट के रिप्लाई में कर दें। लेकिन यहाँ पे ये समझा रही हूँ कि अगर जो आपसे काम के से आपके जो ब्रांड है या आपके सर्विसेज से रिलेटेड जो ग्रुप्स है ना, उन ग्रुप्स में अगर किसी ने भी किसी पोस्ट के नीचे कमेंट किया हुआ है ना, और वो उसका आपके काम से रेलिवेंट पोस्ट भी है, और वो कोई इंटरेस्ट भी ले रहा है ना उस पोस्ट में, तो आप उन लोगों को मैसेंजर में मैसेज कर दें अपनी सर्विसेज के बारे में या अपने ब्रांड के बारे में, क्योंकि वो अगर उस टाइप की चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो आपकी सर्विस या आपके ब्रांड में भी इंटरेस्ट लेंगे, तो वो आपके पेज को भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो हमने उन ग्रुप्स के अंदर जाके उनकी पोस्ट देखनी है जो हमारे काम से रेलिवेंट है, और उन पोस्ट के नीचे देखना कि जो लोग उन पोस्ट को लाइक कर रहे हैं या उनके नीचे कमेंट्स कर रहे हैं और उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, अच्छे वाले कमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं, तो उन लोगों को आपने मैसेजेस करने हैं, ठीक है। जो मैसेज है ना, उन्हें इनके उसके ऊपर कोई प्राइवेसी नहीं है, तो इसके इनके ऊपर मैसेज का बटन शो हो रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों के ऊपर कोई प्राइवेसी नहीं लगी है ना, तो उनका आपको मैसेज का बटन शो हो जाएगा। तो उनको आपने यहाँ पे इस तरह से मैसेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने लिख के मैसेज अपना आप जो भी आपने चैट जीपीटी से लिखवाया उसको कॉपी करके पेस्ट करना है और सेंड कर देना है, ठीक है। तो ठीक है, इसके अंदर आपने अपनी एजेंसी का नेम ऐड कर देना, अपना नेम एंटर करना है कि आप कौन हैं और आप इस एजेंसी से आपका तालुक है।
ठीक है, तो इसके बाद हमने जैसे मैंने लिखा अगेंस्ट मेरे फ्रॉम डिजिटलाइज वी हेल्प बिजनेस लाइक योर ग्रोथ थ्रू एक्सपर्ट एसईओ एंगेजिंग सोशल मीडिया एंड हाई कन्वर्टिंग पीपीसी। पीपीसी असल में जो हम एड्स रन करते हैं ना उसकी एक टाइप है एड्स भी, ठीक है। और आवर स्ट्रेटजीज इंक्रीज ऑनलाइन विजिबिलिटी अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड ड्राइव सेल्स। लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन बूस्ट योर बिजनेस, आर यू अवेलेबल फॉर क्विक कॉल दिस वीक। ठीक है, इस तरह से आपने अच्छा सा मैसेज बनाना है जिसके अंदर आपने अपनी ब्रांड के बारे में, ब्रांड की सर्विसेज के बारे में लिखना है और जो बेनिफिट्स आपके ब्रांड से लोगों को मिल सकते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और अपने इसके नीचे अपना पेज का लिंक जरूर पेस्ट करना है जिस पेज को आप फॉलो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो लिंक हम कैसे देंगे, आपने ना यहाँ से अपना पेज ओपन करना है, जैसे मेरा डिजिटलाइज का पेज था उसे ओपन किया और यहाँ से ना देखिए ओपन नहीं हुआ। ओके, अब ओपन हो गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है इसका यूआरएल, और जो आपने मैसेज पेस्ट किया है ना उसके नीचे आपने अपना लिख देना है कि फॉलो आवर पेज फॉर मोर डिटेल और आगे पेज का लिंक पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पेज का लिंक देंगे और फिर सेंड करेंगे ना, तो फिर आपके जो जब उन्हें लगेगा कि आपकी जो सर्विसेज हैं उनसे उन्हें को बेनिफिट मिलेगा और वो उसमें इस तरह की चीजों को पहले ही इंटरेस्टेड है तो वो आपके पेज को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चले मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लास का टाइम तो खत्म होने वाला है, 2 मिनट्स रह गए। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बता दीजिए। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के जितने भी वेज थे फिलहाल वो मैं आप सब आपको आज बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जो भी बात आपको नहीं समझ आई आप मुझे चाहे बाद में व्हाट्सएप पे अब जो है ना ग्रुप में अपने ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, कोई भी काम करते हुए प्रॉब्लम आए कुछ भी ऐसा है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपनी असाइनमेंट बना के आपने मुझे जरूर सेंड करनी है। असाइनमेंट आपकी क्या है, कि आपने मुझे एक्सेल फाइल के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर सॉरी, अपने ब्रांड से या अपनी सर्विसेज से रिलेटेड जितने अच्छे ग्रुप्स को फाइंड आउट करके उसमें पेस्ट करके वो सेव करना और मुझे सेंड कर देना, ठीक है। ओके, अब मैं क्लास लीव करती हूँ, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हो जो कि समझ ना आए, करते हुए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने ज़रूर मुझे मैसेज व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।